इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर पे आज दुनिया की नज़र है, और हो भी क्यों ना। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन रिटेल सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो टू $200 बिलियन बाय 2026 फ्रॉम $15 बिलियन इन 2016। दिस विल बी अ मैसिव ग्रोथ, और दुनिया की सारी बड़ी रिटेल कंपनीज इस ग्रोथ शेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए बेताब हैं। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, और इंडियन मार्केट में कदम रखने के लिए उसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर करने का डिसीजन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में अराउंड 75% स्टेक एक्वायर कर सकता है। इस डील के बाद फ्लिपकार्ट ग्रुप की टोटल वैल्यूएशन $20 बिलियन हो जाएगी। अगर वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की डील सक्सेसफुल होती है तो ये वॉलमार्ट का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन होगा। इससे पहले वॉलमार्ट की सबसे बड़ी एक्विजिशन यूके ग्रोसरी चेन एस्टा थी, जिसे वॉलमार्ट ने 1999 में $10.8 बिलियन में खरीदा था। वैसे वॉलमार्ट अकेले ये एक्विजिशन नहीं कर रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉलमार्ट और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट मिलकर ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। फ्लिपकार्ट को खरीदने की दौड़ में वॉलमार्ट अकेला नहीं था। अमेजन भी फ्लिपकार्ट को एक्वायर करके इंडियन ऑनलाइन रिटेल मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर्स को वॉलमार्ट का हाथ थामना ज़्यादा अच्छा लगा। फ्लिपकार्ट को लेकर अमेजन और वॉलमार्ट के बीच खींचतान एक बहुत पुरानी और इंटेंस राइवलरी का हिस्सा है। अमेजन और वॉलमार्ट काफ़ी सालों से अमेरिकन रिटेल मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कंपनीज के बीच मार्केट शेयर कैप्चर करने की जंग सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया की और भी देशों में स्प्रेड हो गई है। चाइना में वॉलमार्ट ने लोकल फर्म JD.com से मिलकर अमेजन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। अमेजन ने चाइनीज़ मार्केट में अकेले एंटर करने की गलती की, और अब उसे लोकल फर्म से कम्पीट करने में स्ट्रगल करनी पड़ रही है। जिस तरह वॉलमार्ट ने चाइना में लोकल फर्म्स के थ्रू एंटर किया, वही स्ट्रैटेजी इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए कर रही है। फ्लिपकार्ट के पास ऑलरेडी इंडियन ऑनलाइन रिटेल मार्केट का सबसे बड़ा शेयर है, और वॉलमार्ट के सपोर्ट के बाद फ्लिपकार्ट के पास इतनी फिनेंशियल मसल होगी कि वो अमेज़न को टक्कर दे सकेगा। अमेज़न ने 2013 में इंडियन ऑनलाइन रिटेल मार्केट में पहला कदम रखा था, और 2017 तक 31% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। अमेज़न की तेज़ी से बढ़ती ग्रोथ रेट ने फ्लिपकार्ट को परेशानी में तो डाल दिया था, लेकिन फिर फ्लिपकार्ट ने अपनी पहली पोजीशन को बरकरार रखा और हमेशा अमेज़न को एक कड़ी टक्कर दी। शायद फ्लिपकार्ट की इसी खूबी ने वॉलमार्ट को अट्रैक्ट किया, और उसने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। अमेज़न और वॉलमार्ट दोनों की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं। जहां अमेज़न की ऑनलाइन रिटेलिंग और ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर की अच्छी समझ है, वहीं वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऑफलाइन रिटेल कंपनी है, जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस और ह्यूज फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं। दोनों कंपनीज एक दूसरे की स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं मिले। जहां वॉलमार्ट ऑनलाइन स्पेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं अमेज़न ऑफलाइन वर्ल्ड में रिटेल स्टोर्स खोल रही है। अब ये दोनों कंपनीज इंडियन स्पेस में कम्पीट करेंगी और मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए पूरी जान लगा देंगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंडियन कंज्यूमर्स को होगा। जहां कंज्यूमर्स को अच्छी डील्स और बेटर कस्टमर सर्विस मिलेगी, वहीं वॉलमार्ट के आने के बाद इंडियन ई कॉमर्स स्पेस काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसका फ़ायदा इंडियन स्टार्टअप्स और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा। तो अमेज़न और वॉलमार्ट की इस जंग में कोई भी जीते, इसके असली विनर्स तो इंडियन इकॉनमी ही होगी।